देख सकते हो दोस्तों मेरे साथ ये रुझान 297 सीट्स मिल रही है एनडीए को और 239 सीट मिल रही है यहाँ पर हमारी इंडिया अलायंस को, जिसमें दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के हेडक्वार्टर नई दिल्ली। देख सकते राहुल गांधी जी का जो एक बयान है कि खटाखट खटाखट खटाक सरकार में रहने वाला बीजेपी के कार्यालय में जाता हूँ क्योंकि उनकी औकात नहीं जाएगा मुझे बुलाने सेन की धार से। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। और आज है तारीख 4 जून 2024। आज लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे अपने घरों पर, और मैं भी उसके बारे में कुछ आपको अपडेट देना चाहता हूं। अभी जैसा आप लोग ने देखा होगा, इसमें एनडीए और इंडिया अलायंस के दोनों में टक्कर है। टक्कर तो क्या, डिफरेंस है अप्रोक्स 60 सीट का। मैं आपको अभी ताजा रुझान दिखाता हूँ क्या क्या आ रहा है। देख सकते हो दोस्तों मेरे साथ ये रुझान 297 सीट मिल रही है एनडीए को और 239 सीट मिल रही है यहाँ पर हमारी इंडिया अलायंस को, जिसमें कांग्रेस को 97, बीजेपी को 242। तो देखिए, अब मेरा जितना मानना है, अब एनडीए की गवर्नमेंट में जो किंग मेकर बनेंगे वो बनेंगे नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू। अब यही डिसाइड कर पाएंगे मुझे लगता है कि क्या किस पक्ष में सरकार बनेगी। बस तो अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ से जा रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडक्वार्टर के ऑफिस है ना। हाँ, और मेरे साथ ये हैं राजेंद्र जी। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको, कुछ राय देना चाहोगे आज के? कोई राय नहीं है, अभी जाके देखते हैं तब पता चलेगा। और पीछे है हमारे शीलू जी, ऑफिस छोड़ देना फिर चले। वो आप कुछ राय नहीं देना चाहेंगे क्या? ये क्या था मैं नहीं नो कमेंट्स। दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के हेडक्वार्टर नई दिल्ली। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, मैं दिखाता हूँ आपको, बने रहिए। गाड़ी हमने अपनी पार्क कर ली, यहाँ देखिए आप कितनी भीड़ लगी हुई, कितने लोग आए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हेडक्वार्टर कहीं जा रहे हैं, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। देख सकते हैं आप इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडक्वार्टर। दोस्तों यहाँ पहुँच चुका हूँ यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के हेडक्वार्टर में। सरकार तो कोई एक को ना बनाएगा जी, एक देखो सरकार एक ही आदमी बनाएगा, लेकिन मोदी नहीं बना रहा है सरकार। अब तुम लोगों को भी विश्वास ही नहीं है, मोदी नहीं बना रहा है सरकार, जो तुमको विश्वास है मोदी बना रहा है। अरे कह रहे 272 का आंकड़ा पार कर दिया, 400 का नाम लो ना, तुम 272 में क्यों रो रहे हो, लग गए हो, बोलो 400 पार का। बहुमत के लिए इतना ही चाहिए ना। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, बहुमत के लिए जब 272 तो गांधी और अखिलेश यादव विदेश चले जाएंगे। देखिए राहुल गांधी जी का जो एक बयान है कि खटाखट 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 हर सालाना मेरी महिला बहन के अकाउंट में। मोदी मीडिया के बीच में सेन की धार से बता सकते हैं, जिन्होंने कहा है मैं तो वहाँ बैठा नहीं था ना, मैं बीजेपी के कार्यालय में जाता क्योंकि उनकी औकात नहीं, जो है मुझे बुला ले। में ऐसे मौके इससे पहले कभी नहीं आए होंगे कि कांग्रेस सबसे कमजोर और एक झटके में कांग्रेस के राजनीतिक परिवर्तन या कहें ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों मैं अभी जाके आया कांग्रेस हेडक्वार्टर, और बीजेपी हेडक्वार्टर में जाने के लिए अभी एंट्री नहीं हो रही किसी की भी, आम पब्लिक को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं जा पाए इस कारण से। मैं जाता तो मैं वहाँ की भी आपको कवरेज देता। तो आपकी क्या राय है, किसकी सरकार बनेगी? वैसे अभी तो एनडीए की सरकार बन रही है जहाँ तक समीकरण बता रहे हैं, आपकी क्या राय है जरूर बताएं कमेंट्स में। तब तक के लिए बाय बाय, खूब सारा अपना ध्यान रखें।